हेलो दोस्तों। तो दोस्तों कैसे हो आप सब? आपका भाई हाजिर है नई वैकेंसी के साथ। तो आज की जो वैकेंसी आ रखी है वो आ रखी यहाँ पे DRDO की तरफ से, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से वैकेंसी निकाली गई है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर ही कार्यकर्ता है। और ये एक ऑफिशियली नोटिफिकेशन यहाँ पे रहने वाला है, जहाँ पे बिल्कुल फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको टेंशन नहीं लेनी, अगर आप फ्रेशर हैं तो आपके लिए वैकेंसी यहाँ पे रहेगी। साथ ही साथ यहाँ पे ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप इंडिया में कहीं से भी बिलोंग करते हैं, बिल्कुल आप एलिजिबल रहेंगे। अब बात करते हैं मेन मुद्दे पे कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन इन्होंने क्या मेंशन कर रखा है नोटिफिकेशन में। नोटिफिकेशन में जो मेंशन कर रखा है यहाँ पे कि अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है आप इसको अप्लाई कर पाएंगे। लगभग सारी ब्रांच आपको देखने को मिल जाती है। अगर आपने यहाँ पे बीटेक कर रखा है तो भी एलिजिबल है, और अगर आपने यहाँ पे बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग कर रखा है तो भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। और यदि आपने यहाँ पे सिंपल ग्रेजुएशन कर रखा है तो भी आप यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे। और ये एक रिमाइंडर वीडियो रहने वाला है, क्योंकि जो इसका लास्ट डेट रहेगा वो आपका 6 अक्टूबर 2023 इसका लास्ट डेट यहाँ पे रहने वाला है। और ऐसा मौका बार बार नहीं आता, क्योंकि यहाँ पे एप्लीकेशन फीस 0 रुपये रहने वाला है। तो आपको किसी को भी 1 रुपया भी पे नहीं करना, ये फ्री का फॉर्म आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए जान लेते हैं कि इसका अप्लाई का प्रोसेस क्या रहेगा उसके बारे में। उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि हमारा मोटिवेशन बना रहता है जब आप वीडियो को लाइक करते हो। टारगेट जो रखा है हमने वीडियो के लाइक का, वो आपका 1000+ आपको लाइक करवाने हैं। अपने दोस्तों के अंदर वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में आप अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन कमेंट करके बता देना, और कौन सी लोकेशन के अंदर अभी आप जॉब सर्च कर रहे हैं उसके बारे में जरूर से बता दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको वही अपडेट भी प्रोवाइड करवा दूंगा जो आपने वीडियो में कमेंट कर रखा है। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, यहाँ पे आपको प्रीमियम टाइप की जॉब अपडेट बिल्कुल फ्री में मिल जाती है, जो कि अक्सर मैं यूट्यूब पे अपलोड नहीं कर पाता। तो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, पास में जो घंटी वाला आइकन है उसको दबा दें, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। और आपका भाई इस चैनल पे इंजीनियरिंग जॉब अपडेट लाता रहता है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने डायरेक्टली ऑफिशियली नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लिया है, जैसा कि आप अभी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम बात करेंगे उन्हीं पॉइंट के बारे में जो मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर रखा है, ताकि आप में से किसी का टाइम वेस्ट ना हो। देखिए यहाँ पे जो आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी वो देखने को मिल जाती है DRDO की तरफ से, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से वैकेंसी निकाली गई है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर ये कार्य करता है। साथ ही साथ यहाँ पे आपका जॉब लोकेशन उड़ीसा का देखने को मिल जाता है, तो उड़ीसा के लिए आपको रिलोकेट होना पड़ेगा अगर आपका सिलेक्शन यहाँ पे होता है तो। साथ ही साथ यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट नंबर जारी कर दिया है, जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। एंड यहाँ पे बात की जाए कि आपका जो पोजीशन रहेगा वो आपका रहेगा अप्रेंटिसशिप ट्रेनी का पोजीशन आपको देखने को मिलेगा। अब बहुत सारे बच्चों को ये मालूम नहीं रहता कि अप्रेंटिसशिप क्या है, उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। बेसिकली 1 साल का आपका ट्रेनिंग प्रोग्राम रहता है, आपको इंडस्ट्री के अंदर काम करवाया जाता है, आपको बताया जाता है कि इंडस्ट्री कैसे रन करती है, कैसे वहाँ पे काम करना होता है, ये सारी चीज़ें टोटली आपको पूरे 1 साल तक समझाई जाती है। और इसके अंदर आपको पर मंथ का स्टाइपेंड भी देखने को मिलता है, हर महीने आपको पैसा मिलेगा गवर्नमेंट की तरफ से। अगर आप कहीं पर भी काम करते हैं तो वहाँ पर आपको सैलरी मिलती है, और अगर आप अप्रेंटिसशिप करते हैं तो वहाँ पर आपको स्टाइपेंड मिलता है। अब बात करते हैं इसका फ़ायदा क्या रहने वाला है उसके बारे में। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने कुछ दिन पहले एक नोटिफिकेशन डाला था, इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा एक नोटिफिकेशन आउट किया गया था, और उस नोटिफिकेशन के अंदर साफ साफ मेंशन किया गया था कि अगर आपने अप्रेंटिसशिप कर रखा है तो ही आप वहां पे अप्लाई कर सकते हैं। आप जाके चेक कर लीजिएगा, मैंने यूट्यूब चैनल पे डाला है वो वीडियो, वहां पे उन्होंने मेंशन भी कर रखा है कि अगर आपने अप्रेंटिसशिप कर रखा है तो ही आप उस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और वो एक सरकारी नौकरी थी। तो आपका यहाँ पे फायदा होगा कि अगर आप फ्यूचर के अंदर कभी नोटिफिकेशन आउट किया जाता है DRDO के द्वारा, और वहाँ पे वो मेंशन कर देते हैं कि अगर आपने अप्रेंटिसशिप कर रखा है तो ही आप उस नोटिफिकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, अगर आपने नहीं कर रखा होगा तो आप डायरेक्टली वहाँ पे रिजेक्ट हो जाएंगे, आउट हो जाएंगे, और आप उस फॉर्म को नहीं फिल कर सकते। तो यहाँ पे मैं आपको कहना चाहता हूँ कि अप्रेंटिसशिप का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो अप्रेंटिसशिप करके रखिएगा, कहीं से भी करें, चाहे IOCL से करें, चाहे आप DRDO से करें, चाहे कहीं और से करें, लेकिन अप्रेंटिसशिप करके रखिए। अब बात की जाए यहाँ पे अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है, BBTech कर रखा है, या फिर सिंपल ग्रेजुएशन किया है, आप यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे। इसके अलावा अगर बात कर लेते हैं यहाँ पे
कि कौन कौन सी ब्रांच एलिजिबल है उसके बारे में तो पूरा एक चार्ट मेंशन कर रखा है, सीरियल नंबर बता रखा है, अप्रेंटिसशिप का कैटेगरी बता रखा है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन दे रखा है, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी दे रखा है और स्टैपेड यहाँ पर इन्होंने दे रखा है। देखिए पहला आता है यहाँ पे बीबीटेक वालों के लिए, जिन्होंने बीबीटेक कर रखा है उनका रहेगा ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप ट्रेनी का पोजीशन। अगर आपने कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग से बीबीटेक कर रखा है, कंप्यूटर साइंस से बीबीटेक कर रखा है, कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग से कर रखा है, कंप्यूटर साइंस एंड आईटी से कर रखा है, कंप्यूटर साइंस एंड सिस्टम इंजीनियरिंग से कर रखा है, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से कर रखा है, आईटी से कर रखा है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से कर रखा है, या फिर इंफॉर्मेशन साइंस एंड इंजीनियरिंग कर रखा है, या फिर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग कर रखा है, तो आप सभी लोग उसको अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। उसके अलावा अगर आपने बीबीटेक कर रखा है इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच से रिलेटेड या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन से रिलेटेड या फिर कोई अदर ब्रांच है तो वहाँ पे भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपने बीबीटेक कर रखा है सिंपल इलेक्ट्रिकल में तो भी आप एलिजिबल हैं। उसके अलावा अगर आपने बीबीटेक कर रखा है मैकेनिकल में, एरोस्पेस में तो भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने लाइब्रेरी साइंस से यहाँ पे बैचलर डिग्री कर रखी है तो भी एलिजिबल है। अगर आपने बीबीटेक कर रखा है सेफ्टी से तो भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने बीबीए कर रखा है, बीकॉम कर रखा है तो वो सारे कैंडिडेट भी यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप के लिए। यहाँ पे जो आपका स्टाइपेंड रहेगा वो आपका 9,000 रुपये पर मंथ के अकॉर्डिंग स्टाइपेंड आपको देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ बात की जाए यहाँ पे नेक्स्ट वैकेंसी के बारे में जो कि निकाली गई है डिप्लोमा कैंडिडेट के लिए, वो आपका रहेगा टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप का पोजीशन। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है कंप्यूटर साइंस से या फिर उनसे रिलेटेड किसी भी ब्रांच में आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग कर रखा है या फिर उससे रिलेटेड किसी भी ब्रांच में कर रखा है, जैसे कि इंस्ट्रूमेंटेशन भी अप्लाई कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेक्नोलॉजी वाले भी एलिजिबल हैं, और भी बहुत सारी ब्रांच आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर स्टाइपेंड आपका 8,000 रुपये पर मंथ के अकॉर्डिंग रहेगा। साथ ही साथ अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है यहाँ पर इलेक्ट्रिकल में या फिर डिप्लोमा कर रखा है अगर आपने यहाँ पर मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी में, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। एंड यहाँ पे बात की जाए कि जिन्होंने बीबीटेक कर रखा है, डिप्लोमा कर रखा है, वो यहाँ पे MHRD नेट्स पोर्टल पे जाकर रजिस्ट्रेशन करेंगे पहले, और वहाँ पे आपको MHRD नेट्स पोर्टल के थ्रू एक आपको आईडी मिलेगा, एक रजिस्ट्रेशन नंबर आपको वहाँ पे मिलेगा, उसको एक कॉपी में नोट डाउन कर लेना है जो कि आपका आगे काम आएगा फॉर्म फिल करते टाइम। साथ ही साथ जिन्होंने यहाँ पे कर रखा है ग्रेजुएशन बीए बीकॉम कर रखा है, बीबीए बीकॉम कर रखा है, वो यहाँ पे जो ये आईडी दे रखा है ये आपका, उस पर आपको यहाँ पे क्लिक करके डायरेक्टली आपको अप्लाई करना है, रजिस्ट्रेशन करना है, वहाँ पे भी आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा। साथ ही साथ यहाँ पे अगर आप पास आउट ईयर 2019 है, 20 है, 21 है, 22 है, 23 है, सारे कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे। एक बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है मेरे भाई, क्योंकि हम जब बहुत टाइम पहले हम सोचते हैं कि हम अप्रेंटिसशिप कर लेते तो बढ़िया रहता, तो अगर आपका पास आउट ईयर 2019 का है और आपने अभी तक अप्रेंटिसशिप नहीं किया है तो मेरे भाई कर लीजिए, फ़ायदा आपको होने वाला है। मतलब कि 2019 से लेकर 2023 तक वाले कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। 5 साल कैंडिडेट को यहाँ पे एलिजिबल रखा गया है, जो कि एक बहुत बढ़िया बात है। अगर आप 2018 में पास आउट हुए हैं आप यहाँ पे एलिजिबल नहीं रहेंगे, 2018 से पहले पास आउट हुए हैं आप इसको अप्लाई नहीं कर सकते। एंड यहाँ पे बात की जाए कि अगर आपने MEMTECH कर रखा है आप एलिजिबल नहीं है, अगर आपने पहले कभी अप्रेंटिसशिप कर रखा है आप इसको अप्लाई नहीं कर सकते, और अगर आपने यहाँ पे डिस्टेंस से कोर्स कर रखा है, जैसे कि कॉरेस्पॉन्डेंस से कोर्स कर रखा है, डिस्टेंस से कोर्स कर रखा है, तो भी आप एलिजिबल नहीं रहेंगे। आपके पास रेगुलर डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए। उसी के साथ साथ यहाँ पे बात की जाए कि 1 साल का आपका ये ट्रेनिंग प्रोग्राम आपको देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ यहाँ पे आपके पास अगर आपका सिलेक्शन यहाँ पे हो जाता है तो उन कैंडिडेट को मेल आ जाएगा, यहाँ पे ईमेल के थ्रू डायरेक्टली यहाँ पे एक मेल आ जाएगा, उसमें वहाँ पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो आपको ईमेल आ जाएगा सिलेक्शन के लिए, जो कि ईमेल आईडी यहाँ पे इन्होंने दे रखी है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप इनको कॉल भी कर सकते हैं, और ये आपका 12 महीने का ट्रेनिंग प्रोग्राम आपको देखने को मिलेगा। उसके अलावा अगर बात की जाए कि आपको अप्लाई कैसे करना है, देखिए अप्लाई करने के लिए सिंपल सा प्रोसेस है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको इनके ऑफिशियली वेबसाइट पर जाना है, जो कि मैं आपको आगे बताऊँगा। वहाँ पर आपको एक अप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा, उस एप्लीकेशन फॉर्म को क्या करना है, प्रिंट आउट निकालना है। प्रिंट आउट निकालने के बाद क्या करना पड़ेगा, उसको आपको अच्छे से फिल कर देना है, और उसके साथ आपको अपने कुछ डॉक्यूमेंट जो कि सेल्फ अटेस्टेड रहेंगे, जेरोक्स कॉपी रहेगा, वो आपको भेजने पड़ेंगे। कौन कौन से डॉक्यूमेंट, 10वीं का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट रहेगा, डिप्लोमा कर रखा है, बीबीटेक कर रखा है, बीबीए कर रखा है, बीकॉम कर रखा है, ये सारे सर्टिफिकेट रहेंगे। और अगर आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट है, आइडेंटिटी प्रूफ है, तो वो आप लगा सकते हैं, जैसे कि आपका आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, ये सारे जेरोक्स कॉपी
आपको वहां पे लगा देना है और उसको सेल्फ अटेस्टेड करना है। सेल्फ अटेस्टेड करने के बाद एक इन्वॉल्व में बंद करना है। इन्वॉल्व में बंद करने के बाद वहां पे आपको लिख देना है, जो कि यहां पे आप देख सकते हैं कि अप्लीकेशन फॉर अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग कैटेगरी यहां पे आपका आ जाएगा एंड सब्जेक्ट और डिसिप्लिन आपका यहां पे आ जाएगा। टॉप पे आपको लिख देना है और ये जो एड्रेस दे रखा है ये वाला, इस एड्रेस पे आपको भेज देना है। ठीक है, ये एड्रेस पे आपको भेजना पड़ेगा। और ये कब तक भेजना है मेरे भाई, यहाँ पे 6 अक्टूबर 2023 तक आपको इसको भेज देना है मेरे भाई। आपके पास टाइम बहुत सारा है, आप आराम से भेज सकते हैं, लेकिन आपको जल्दी से इसको भेज देना है मेरे भाई। 6 अक्टूबर 2023 से पहले पहले अगर आप भेजेंगे तो वहाँ पे पहुँच जाएगा। ठीक है, बाकी सिलेक्शन प्रोसेस जो आपका रहेगा, यहाँ पे रिटन टेस्ट हो सकता है और आपका पीआई हो सकता है, पर्सनल इंटरव्यू हो सकता है, दोनों यहाँ पे हो सकते हैं, जो कि कंपनी डिसाइड करेगी। लास्ट डेट भेजने का रहेगा यहाँ पे 6 अक्टूबर 2023, इसका लास्ट डेट आपको देखने को मिलेगा। और इससे रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब मैं आपको लेके चलता हूँ सबसे पहले इनके ऑफिशियली वेबसाइट पे, जहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि आपको नोटिफिकेशन को कैसे डाउनलोड करना है और अप्लीकेशन फॉर्म को कैसे डाउनलोड करना है उसके बारे में। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको इनके ऑफिशियली वेबसाइट का लिंक दे रखा है, तो वहाँ पे आप क्लिक करेंगे आपके सामने डायरेक्टली ये ऑफिशियली वेबसाइट ओपन हो जाएगा, जो कि आप अभी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन को कैसे डाउनलोड करना है और अप्लीकेशन फॉर्म को कैसे डाउनलोड करना है उसके बारे में। आई होप आपने वो पूरा वीडियो देखा होगा, उसके बाद आप यहाँ पे आए होंगे और आपको पता होगा कि यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो यहाँ पे मैंने आपको ऑफिशियली वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जो आप ये वीडियो देख रहे हो उसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अगर आप अप्लाई लिंक वाले लिंक पर क्लिक करेंगे, उस पर क्लिक करते ही ऑफिशियली वेबसाइट ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, देखिए DRDO का ऑफिशियली वेबसाइट है, यहाँ पे आपको नीचे आना है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डिप्लोमा और BBTech के लिए अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग का ये नोटिफिकेशन आउट किया गया है। कैटेगरी यहाँ पे अप्रेंटिसशिप रहेगा और यहाँ पे लास्ट डेट जो रखा है वो 6 अक्टूबर 2023, इसका लास्ट डेट यहाँ पे रहने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्लिक करके इसके एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म दे रखा है, इसको आपको डाउनलोड कर लेना है और नोटिफिकेशन के अंदर यहाँ पे एड्रेस दे रखा है, उस एड्रेस पे आपको ये जो एप्लीकेशन फॉर्म आपने डाउनलोड किया है जिसका प्रिंटआउट निकाला है उसको अच्छे से फिल करके और जो भी मैंने आपको डॉक्यूमेंट बताए हैं उन सारे डॉक्यूमेंट को अटैच करके यहाँ पे सेंड कर देना है। ठीक है, बाय स्पीड पोस्ट के द्वारा भेज देना है। यहाँ पे 6 अक्टूबर 2023 से पहले पहले पहुँच जाना चाहिए, आप कभी भी भेज सकते हैं, आपके पास बहुत समय है, लेकिन आप इसको जल्दी भेज देंगे तो आपका फ़ायदा यहाँ पे हो जाएगा। और इससे रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कुछ भी पूछना है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर आप मेरे को पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। टेलीग्राम पे, लिंक्डइन पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, सारे लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। तो मेरे भाई आज के लिए बस इतना ही, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा उन लोगों तक जिनको जॉब की नीड है, एंड कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना कि आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन कौन सा है, कौन सी जॉब सर्च कर रहे हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद।